नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन मिरर में। राजस्थान सरकार इंटरकास्ट मैरिज यानी दूसरी जाति में शादी करने पर 10 लाख रुपए दे रही है। स्कीम का उद्देश्य समाज में लोगों के बीच एकता बनाना है। स्कीम की शुरुआत 50,000 के साथ हुई थी। देश हो या विदेश, हर जगह की सरकार अपने यहाँ का टूरिज्म बढ़ाने के लिए कोई ना कोई स्कीम लेकर आती रहती है। अभी हाल ही में हांगकांग ने अपने यहाँ का टूरिज्म बढ़ाने के लिए 5 लाख की पेशकश की थी। यही नहीं, ये देश फ्लाइट टिकट भी यात्रियों को फ्री में दे रहा था। वहीं कुछ महीने पहले इटली भी अपने देश में शादी कराने के लिए 10 लाख रुपए दे रहा था। अब कुछ ऐसा ही भारत में भी स्कीम की शुरुआत हो चुकी है। राजस्थान सरकार ने सामाजिक समानता और एकता को बढ़ावा देने के लिए अंतरजातीय शादी यानी इंटरकास्ट मैरिज को प्रोत्साहित करने के लिए बम्पर राशि रखी है। बता दें, पहले ये राशि 5 लाख रुपए थी, लेकिन अब इसे 10 लाख रुपए कर दिया गया है। चलिए आपको स्कीम के बारे में विस्तार से बताते हैं। शादी करने वाले इंटरकास्ट कपल को 5 की जगह पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। राजस्थान सरकार ने इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देने के लिए इस पहल की शुरुआत की है। सरकार का कहना है कि समाज में एकता बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया है। इससे समाज में एकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। डॉक्टर सविता बहन अम्बेडकर अंतरजातीय संशोधित विवाह योजना के अनुसार 8 वर्ष के लिए 5 लाख रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट में रखे जाएंगे और बचे बाकी 5 लाख रुपए जोड़ों के जॉइंट बैंक अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। बता दें, 2006 के दौरान इस योजना में करीबन 50,000 रुपए दिए जाते थे। इसे बाद में 2013 में बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारें एक साथ ये राशि देती हैं। राज्य का योगदान 75% और 25% केंद्र का रहता है। विवाह अनुदान योजना के तहत देश में सरकार ने लड़कियों की पढ़ाई से लेकर शादी तक के लिए हर तरह की स्कीम चलाई हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार भी गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए उन्हें 51,000 रुपए देती है। इस योजना में केवल अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति, सामान्य वर्ग का गरीब परिवार शामिल है। इस योजना में परिवार की सालाना आय 46,080 और शहरी क्षेत्र के परिवार की आय 56,460 रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। विवाह के दौरान लड़की की उम्र कम से कम 18 तो होनी ही चाहिए। राज्य सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार ने भी समाज में भेदभाव को खत्म करने के लिए स्कीम को पहले ही चलाया हुआ है। सरकार इंटरकास्ट को बढ़ावा देने के लिए परिवार को 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि देती है। इसमें अगर जोड़ों का एप्लीकेशन सही पाया जाता है तो 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, जिसे वे कभी भी निकाल सकते हैं, और बाकी के 1 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट में डाल दिए जाते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।